जिले की झिन्या जनपद के ग्राम आभापुरी में सरपंच चुनाव में धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डाले गए मतों से अधिक मत मिलने और प्रत्याशी सहयोगियों के साथ शिकायत लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि सरपंच प्रत्याशी रमाबाई ने जिला मुख्यालय पहुंचकर गुहार लगाई कि बूथ पर मौजूद मतदान अभिकर्ताओं सहित पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत से मतदान में धांधली की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस दौरान महिला ने बताया कि एक व्यक्ति ने 3 बार मतदान किया है, जो बड़ा गंभीर विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या समस्या लेकर आए आप लोग यहाँ? ये सरपंच चुनाव में खड़ी हूँ मैं। वो 587 वोटिंग हुई थी, उसमें बाद में गिनती करी तो 590 निकली, तो इसलिए हम आए हैं। क्या मांग किया आपने? मांग करी कि भाई उसको डबल से गिनती करो या तो वापस वोटिंग करो। 590 कैसे वोट निकाला है जब 587 डाले हैं? अब ये सब हुआ ना। कब चुनाव थे अपने? ये अभी 25 तारीख है। एक से पहले जीत गए थे, फिर डबल वर्क करी तो एक से कम निकला, रिजेक्ट कर दिया। क्या नाम है आपका? पुरी से सर। क्या समस्या है? हमारी वोटिंग में चीटिंग हुई है सर। किस तरह की? 587 वोट से मतदान हुई गई और उसका बाद में फिर पाछा 3 वोट का सब अड़ी गया ने हमारा सरपंच के हराई दी। उसका बीच में लाइट बंद करवाई दी, फिर 590 बताई दिया और 3 घंटा बाद पेटी होने में पछी तुम्हारी वोटिंग चालू करी, तो ये मतलब कई चालबाजी वोट का सब अड़ी गया। तो यह समस्या लेके आया है, इसको निराकरण होना चाहिए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि महिला टीम को हराना चाहते थे तो ये सही है कि गलत है, इसका न्याय हो जाए। भाई एक बोर्ड से जीती गया था फिर बाद में हरा ही दिया, तो ये मतलब महिला के आगे बढ़ने से रोकना चाहिए रहा था कि कहीं चाहता था महिला के साथ में ऐसा क्यों हुआ? कितने वोट डाले? 587 डाले हैं और निकले कितने? फिर 590 निकले। तो ये तो सरासर अन्याय है। नहीं, 3 वोट का सब अड़ी है। अधिकारियों से कागज मांगे तो अधिकारियों से कागज मांगे तो उनने मना कर दी। अब क्या मांग करते आप? वो पेटी उनकी डबल से जांच करो और पाछे वापस से वोटिंग करवाओ। क्या नाम है आपका? मेरा राजू भाई तोमर। बीती 25 तारीख में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान आभापुरी सरपंच चुनाव के दौरान काफ़ी गड़बड़ियां की गई है प्रशासन अधिकारियों के द्वारा। वो सामने वाली विपक्षी टीम से उनका कुछ न कुछ लेन देन हो गया था, उनके साथ वो मिल गए थे और उन्होंने, जैसे कि अमूमन होता है कि वोटिंग होने के बाद में मतपत्र लेखा दिया जाता है, हमारे एजेंट के मांगने के बाद भी उसे मतपत्र लेखा नहीं दिया गया और वोटिंग के बाद 10 मिनट बाद ही काउंटिंग की जाती है जहां तक अभी तक देखने में आया है। पर हमारे यहां 3.5 घंटे बाद गिनती शुरू की गई, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 3.5 घंटे बाद गिनती हमारे यहाँ क्यों चालू की गई और उसके बाद लाइट काफ़ी समय 2 घंटे तक वहाँ पर बंद रही और मत 587 डाले गए थे जिसका हमारे पास पूरा साक्ष्य है। और जब पेटी खोली और पूरे वोट गिने गए तो वोट वहाँ पर 590 निकले, तो हम ये चाहते हैं कि 3 वोट कहाँ से आए। हम ये हमारी प्रशासन से यही मांग है, रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर से यही मांग है कि या तो मतगणना पुनः कराई जाए या चुनाव निरस्त किए जाएं और चुनाव दोबारा किए जाए। और हमारे प्रत्याशी गिनती में 1 वोट से विजयी था, जिसे कि बाद में पीठासीन अधिकारी के द्वारा 1 वोट रिजेक्ट करके उसे हरा दिया गया है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह तोमर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।